सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। यदि आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो फॉर यू पेज में 80 से 90% वीडियो आपको एम्बुलेंस वाले वीडियो में मिल जाएगा। कुछ पब्लिक ऐसे है इसके बारे में जानना चाह रहे ये एम्बुलेंस इतना तेजी से कहाँ जा रहा है। पब्लिक जो है दोनों साइड सिंपल सी खड़ा है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी एम्बुलेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस एम्बुलेंस में 40 डे की बेबी है जिसे मैंडोर से बेंगलोर की ओर लेके जा रहे हैं, जिसमें हार्ट को ट्रांसमिट करना है जो टिकटॉक पे काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। इसे फादर मुदर हॉस्पिटल मैंडोर में एडमिट था, लेकिन वहां से ट्रांसफर कर दिया गया बेंगलोर जयदेवा हॉस्पिटल में। बेंगलोर से बेंगलोर जाने के लिए नॉर्मल अभी कार से जाते हैं तो 7 से 8 घंटा लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं था, इसे आपको 3 से 4 घंटे में इस एम्बुलेंस को पहुंचाना था। तो इसके लिए आपको एम्बुलेंस ड्राइवर हुसैन ने तैयार हुआ और ने बोला कि मैं इस एम्बुलेंस को 3 से 4 घंटे में मंडोर से बेंगलोर में का सफर तय कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें एक टर्म कंडीशन है, यहाँ पे हमें 0 ट्रैफिक चाहिए। क्या ये 0 ट्रैफिक होना संभव था? तो यहाँ पे बेंगलोर और कर्नाटक पुलिस ने कि आम पब्लिक ने यहाँ पे 0 ट्रैफिक करने की कोशिश किया और फाइनली इस एम्बुलेंस को मैंडोर से बेंगलोर को 3.5 घंटे में पहुंचाया गया और फाइनली हार्ट को ट्रांसमिट किया गया और यह ऑपरेशन सफल हुआ। तो ये टिकटॉक पे वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इस वीडियो की सारी सच्चाई यही है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।